फिर से मोहम्मद अयान जी ज्वाइन किए हैं, मैंने उनको ऐड जी किया है, अगर सुन पा रहे हैं अस्सलाम प्लीज वालेकुम, क्या कमेंट। कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसला शेख, अल्लाह राजी हो आप लोगों से। सिख, मेरा सवाल था कि मैं अपनी जी अहलिया के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तो हमारा सीट जो था वो साइड लोअर और साइड अपर था। तो जी, सिख, मैं पूछ रहा था कि मेरा सवाल ये था कि मैं अहलिया के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तो हमारा जो सीट जी था वो साइड लोअर साइड अपर था। तो जैसे हम जी नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें अब चीजें क्या थी, जैसे कि जो डायरेक्शन है किबला रुख हमें एक शर्त में से है, बट हमें क्या था कि या तो हम एक आगे की तरफ मुड़ सकते हैं या पीछे की तरफ मुड़ के बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं सीट पे अपने। तो उस केस में हम कैसे नमाज पढ़ेंगे सर? देखिए, इस बारे में आप ये उसूल याद रखें कि जब आप सफर में हैं, सवारी पर हैं, ऐसी सूरत में भी अगर आप इस्तेआत रखते हैं तो किबला रुख होना ये शर्त है। जैसे जब आपने नमाज शुरू किया तो उस वक्त आप किबला रुख हो जाएं, मान लीजिए आपकी सवारी मुड़ रही है तो फिर आप भी मुड़ जाएं, यानी जब तक आपकी इस्तेआत है आपको किबला रुख ही रहना है, चाहे नमाज के अंदर भी बार बार आपको मुड़ना पड़े तो आपको किबला रुख होना है। लेकिन अगर आप किबले का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा है या आपका मुड़ना ये मुमकिन नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, यानी जितनी आपकी इस्तेआत है किबला रुख होना जरूरी है, चाहे आपको दौरान नमाज मुड़ना ही पड़े बार बार। लेकिन अगर आपकी इस्तेआत नहीं है, नहीं कर सकते, तो आप जैसे हैं वैसे नमाज पढ़ लीजिए। जी मोहम्मद अयान भाई, जी शेख, इसमें एक और सवाल आ रहा है एक्चुअली। ये तो मुझे क्लियर, एक्चुअली मेरे लिए तो आसानी है कि मैं चेंज कर सकता हूँ, बट अहलिया के लिए पॉसिबल नहीं था, तो इस लिहाज से मैंने ये सवाल रखा शेख। अगर पॉसिबल नहीं है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है, आदमी कोशिश करे कि उस तरफ देखे। एक और मसला है जो कई सारे लोग इसमें जो है गलतफहमी का शिकार होते हैं। देखिए, आवाज कोई आ रही है, आप अपना वो बंद करें। जी जैसे किबला रुख होना नमाज में ये शर्त है, ठीक है? अब किबला रुख होने का मतलब क्या है? किबला रुख होने से का दो मतलब हो सकता है। एक तो ये कि बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह से सुई का कांटा होता है, घड़ी की सुई होती है, एग्जैक्ट काबा की तरफ आपका रुख हो, एक मतलब ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जिहतुल किबला मुराद है, यानी जैसे हिंदुस्तान में से काबा किस सिमत में है, पश्चिम में है। अब पश्चिम ये जिहा हुआ, अब एग्जैक्ट घड़ी की सुई की तरह से आपका चेहरा काबा की तरफ होना जरूरी नहीं है। तो किबला रुख होने से यही दूसरा माना मुराद है। अगर आप काबा के सामने हैं तब तो आईने काबा का इस्तेमाल करना जरूरी है। काबा आपके सामने है तो बिल्कुल आईने काबा का इस्तेमाल जरूरी है। काबा से आप ओझल हैं, दूर हैं, तो जिस सिमत में, जिस जिहत में काबा है उस जिहत का इस्तेमाल करना है। अब हिंदुस्तान में आपको पश्चिम रुख करना है, जाहिर जरूरी नहीं है कि आपने जब पश्चिम रुख किया है तो काबा आपकी नाक की सिधाई पर हो, ये जरूरी नहीं है। जी तो आपका रुख पश्चिम होना चाहिए बस। जी जी मोहम्मद आयान शेख, भाई,